ये वक्त वक्त की बात है। डर लगता था जिसे बच्चों के हाथ थमाने में, आज उसी को यूज कर रहे उनका भविष्य बनाने में। डर लगता था जिसे बच्चों के हाथ थमाने में, आज उसी को यूज कर रहे बच्चों का भविष्य बनाने में। प्रेयर की घंटी बजती थी जो अब नींद में दब जाती है, मोबाइल की रिंगटोन अब होमवर्क बन के आती है। प्रेयर की घंटी बजती थी जो अब नींद में दब जाती है, मोबाइल की रिंगटोन अब होमवर्क बन के आती है। कहाँ गई, कहाँ गए वो दिन जब बच्चे लाइनों में जाया करते थे। कहाँ गए, कहाँ गए वो दिन जब बच्चे लाइनों में जाया करते थे, क्लासरूम में जाते ही अपनी जगह बनाया करते थे। जगह वही अब पढ़ने की, बेड सोफा पे बनती है। जगह वही अब पढ़ने की, बेड सोफा पे बनती है। टीचर की डांट भी अब तो मोबाइल पर ही पड़ती है। हाँ जी, अब हम बात करेंगे टीचर की। कैद हुए सब टीचर अब तो, कैद हुए सब टीचर अब तो मोबाइल के अंदर ही। टीचर पर हो गया बच्चों का नियंत्रण। कैद हुए सब टीचर अब तो मोबाइल के अंदर ही। टीचर पर हो गया बच्चों का नियंत्रण ही। जब चाहा तब पोज किया, जब चाहा तब पोज किया, जब चाहा तब किया म्यूट। बच्चों को भी मिल गई अब तो क्लास ऑफ करने की छूट। बच्चों को भी मिल गई अब तो क्लास ऑफ करने की छूट। क्लास वर्क भी घर पर करते, क्लास वर्क भी घर पर करते, मोबाइल ही क्लास हुई। आधी छुट्टी पूरी छुट्टी मोबाइल के साथ हुई। यस मैम, यस मैम और नो मैम की आवाज़ें सब गुम हुई। मैसेज पर ही हुई अटेंडेंस, मैसेज पर ही बात हुई। मैसेज पर ही हुई अटेंडेंस, मैसेज पर ही बात हुई। घर से शिक्षा, घर से शिक्षा, घर पर शिक्षा अब बच्चों को मिलती है। पर इसमें भी टीचर की कमी तो हर पल खलती है, पर इसमें भी टीचर की कमी तो हर पल खलती है। नमन है उन योद्धाओं को, नमन है उन शिक्षक योद्धाओं को जो घर से स्कूल चलाते हैं। कोरोना की इस महामारी में भी अपना साहस दिखाते हैं, कोरोना की इस महामारी में भी अपना साहस दिखाते हैं। छोड़कर अपनों की चिंता, छोड़कर अपनों की चिंता, बच्चों पर समय बिताते हैं। देकर अपना वक्त वो सारा, बच्चों का भविष्य सजाते हैं, बच्चों का भविष्य सजाते हैं। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, जिंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद। आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह है आपका चैनल। हमेशा अपडेट रहें चैनल की वीडियो के साथ। जिंदगी जिंदाबाद।